स्मार्ट कास्ट आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिव वैराग्य का असली मतलब समझाते हैं, शिव जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं। अब आगे मम्मा, मैंने आपसे कह दिया ना, मुझे बात नहीं करनी। अगर ज्यादा जिद करोगे ना आप, तो मैं आपसे भी बात नहीं करूंगी। प्रसाद, थैंक यू। आप ठीक हैं? काफी परेशान लग रही हैं। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अरे, ये यहाँ क्यों बैठ गया? आई एम नील। हाय मेघा। मम्मा प्लीज मुझे फोन मत करो, मेरा डिसीजन फाइनल है। आप चाहे तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकती हैं। आपको कुछ पता नहीं मेरे बारे में, आप क्या मदद कर पाएंगे मेरी? मदद ना कर पाऊं शायद, पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगी तो शायद आपको हल्का फील होगा। सो ठीक है, सुनो, मेरे मम्मी पापा मेरे पीछे पड़ गए हैं शादी करने के लिए। ओह, तो आप शादी नहीं करना चाहती? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे वो हाँ? अरे यार, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। ही इज गुड, मैंने बात की है उससे और मिली भी हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो राजस्थान के किसी छोटे से शहर में पोस्टेड है और मैं हूँ कि मैंने तो आज तक मेट्रो सिटीज के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। What? Are you serious? आप सच में इसलिए शादी नहीं करना चाहती? हाँ, अरे मुझे आदत है बिजी लाइफ, गुड लाइफस्टाइल और सब फैसिलिटीज की जो बड़े शहरों में होती है। मैं वहाँ कैसे रहूंगी, कैसे एडजस्ट करूंगी, क्या काम करूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मेरी मम्मी पापा है जो समझ ही नहीं रहे। अच्छा, आप रो क्यों रही हैं? लेकिन आप यहाँ मंदिर में क्यों बैठी हैं? मुझे नहीं जाना घर, वो लोग मुझे फोर्स करेंगे, मुझे नहीं रहना उस छोटे से शहर में। ठीक है, चलिए आपका मूड अच्छा करने की कोशिश करते हैं। क्यों, तुम इतने अच्छे क्यों बन रहे हो मेरे साथ? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ, आपका ध्यान डाइवर्ट करते हैं, फिर आप ठंडे दिमाग से अपना डिसीजन ले लेना, ठीक है? ठीक है। अच्छा, आपको एक कहानी सुनाऊं? ठीक है। तो हुआ ये कि माता पार्वती और भगवान शिव एक दिन धरती पर विहार करते करते एक सुंदर सी जगह पर आकर रुक गए। प्रभु, ये स्थान कितना सुंदर है ना? वो तो है। क्या हम यहाँ नहीं ठहर सकते प्रभु? यहाँ? क्यों प्रभु, यहाँ रुकने में क्या समस्या है? प्रिय, यहाँ रुकने में कोई समस्या नहीं, पर कुछ नहीं प्रभु, हम यहीं विश्राम करेंगे। तुम्हारे हट के सामने मेरी कहाँ चलती है पार्वती। ठीक है, जैसा तुम चाहो। ये प्रभु माता पार्वती के संग यहाँ के क्यों रुके? हमारे स्वर्ग में कहाँ स्थान की कमी थी कि उन्हें धरती पर रुकने की आवश्यकता पड़ गई? नारायण नारायण, ये बात तो ठीक है प्रभु आपकी, इसके पीछे अवश्य ही महादेव की कोई माया है। तो चलो चल के देखते हैं। अब इस स्थान में कहाँ ढूंढूं मैं महादेव को? नारायण नारायण, हे ईश्वर, ये कैसी माया है, इतना सुंदर स्थान, वो भी धरती पर। अब समझ में आया, अवश्य माता पार्वती की हट पर महादेव यहाँ ठहरने के लिए माने होंगे। प्रभु, किंतु महादेव तो सांसारिक मोह माया से परे हैं, उन्हें इस स्थान की क्या आवश्यकता, ये धाम तो श्री हरि विष्णु का ही होना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, ये स्थान तो मेरा ही होना चाहिए, कुछ योजना बनानी होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कैसी आवाज है? ये तो किसी बालक के रोने की आवाज लगती है। प्रभु, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज तो आ रही है,
रुके, मैं देखती हूँ। क्या हुआ बालक, कौन हो तुम और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? और तुम रो क्यों रहे हो? इस वन में ये कौन बालक रो रहा है और ये यहाँ आया कहाँ से? इसकी माता कहाँ है? मैं इसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती, इसे अपने साथ ले चलती हूँ। ये कोई साधारण बालक नहीं, किसी देव की लीला के समान लगता है। पार्वती, इस बालक को घर के बाहर छोड़ दो, वो अपने आप ही कुछ देर रोकर चला जाएगा। तुम इसे यहाँ ले आई हो, पर इसकी माता इसे ढूंढते हुए वन में आएगी तो ये उसे नहीं मिलेगा। किंतु प्रभु, मैं इसे अकेले वन में कैसे छोड़कर आ सकती थी? देखिए तो, बालक सो गया है, अब हम कोई शोर नहीं मचाएंगे। यदि ये उठ गया तो फिर से रोने लगेगा। ठीक है प्रिय, चलिए ना, कुछ दूर तक भ्रमण करके आते हैं। चलिए, घर आ गया। हाँ? अरे ये क्या, द्वार अंदर से बंद है? कहीं ये तुम्हारे बालक ने ही तो बंद नहीं किया? बालक ने बंद किया होगा, किंतु वो तो बहुत छोटा है। अरे मेरे लाल, मेरे पुत्र, द्वार खोलो। ये क्या, ये द्वार क्यों नहीं खुल रहा प्रभु? मुझे छल के लिए क्षमा करे माता, बालक रूप में ये मैं ही था। क्या श्री हरि, आप? मैं जानता था ये तुम्हारी ही लीला है श्री हरि। पर आपने ऐसा छल किया ही क्यों? आपको इसकी क्या आवश्यकता आन पड़ी? ये स्थान मुझे बड़ा पसंद आया, मुझे यहीं विश्राम करने दीजिए। प्रभु, आपको तो वैसे भी मोह माया नहीं है और आप तो वैसे भी यहाँ वहाँ विचरण करते रहते हैं, इसलिए अब आप यहाँ से केदारनाथ जाएं और ये स्थान मुझे भेंट कर दें। श्री हरि, आप ऐसा कर सकते हैं? ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये सही नहीं है, द्वार खोलिए, मैं कहती हूँ द्वार खोलिए, ये महादेव का दिव्य धाम है। क्रोध मत करो प्रिय, क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु ये हमारा घर है स्वामी, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? निश्चिंत रहो, हम जहाँ भी होंगे वो ही हमारा दिव्य धाम बन जाएगा। प्रिय, ये सब संसार की मोह माया, सब कुछ क्षणिक है, एक ना एक दिन चला जाएगा और फिर घर से घृणी नहीं होती बल्कि घृणी से घर होता है। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि इस संसार में मोह माया के बहुत साधन हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि जो कुछ भौतिक है, मतलब मटीरियलिस्टिक, वो सब काफी टेम्पररी है। लाइफ में ऐसे चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन वो दुनिया का एंड नहीं है। लाइफ चलती रहती है हर दिन एक नई शुरुआत के साथ। हाँ, बात तो सही है, पर मैं वहाँ क्या नई शुरुआत करूंगी? अरे ये बताओ, तुम क्या काम करना चाहती हो? मैं तो सोशल वर्क करना चाहती हूँ। यहाँ पर भी मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ, बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ। What? Really? तो फिर तुम इतना क्या सोच रही हो? मतलब ये कि अगर तुम सच में बच्चों को पढ़ाना ही चाहती हो तो तुम वो वहाँ भी जाकर कर सकती हो। वहाँ भी ऐसे न जाने कितने बच्चे होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वही तो, तुम्हें बस एक ही एंगल दिख रहा है कि तुम बड़े शहर से छोटे शहर जाने वाली हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम जो करना चाहती हो वो तो तुम कहीं भी कर सकती हो। हाँ, पर मैं वहाँ कैसे एडजस्ट करूंगी? अरे मेघा, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जगह बड़ी हो या छोटी, अपॉर्चुनिटी बड़ी हो या छोटी, ट्राई जरूर करना चाहिए। और फिर तुम तो वहाँ घर बसाने जा रही हो, सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। लाइफस्टाइल हो या तुम्हारा काम, सब डिसीजंस तुम्ही से होकर गुजरेंगे। सुना है ना, गृहिणी घर से नहीं, घर गृहिणी से होता है। तुम बिना डरे आगे बढ़कर देखो तो सही। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं चलूं? हाँ, मुझे भी चलना चाहिए, रजत आज अपनी फैमिली के साथ घर आ रहे हैं। हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू नील, तुम सच में एक अच्छे इंसान निकले। अरे चलो, मैं चलता हूँ, तुमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। अच्छा, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम कर लेते आप अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। ठीक है, चलता हूँ। जी, वैसे मेरी शादी में आओगे ना?
कोशिश करूंगा। एड्रेस दे दो, कार्ड भेजती हूँ। अमरनाथ जा रहा हूँ, महादेव के धाम पर, कार्ड वहीं भिजवा दो। हर हर महादेव। मैं पैदा हुआ 10x10 की खोली में, जब हीरो बना, स्टार बना, तब भी 10x10 की खोली में, बड़े बड़े प्रोड्यूसर लोग भी आए 10x10 की खोली में। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर छोटा या बड़ा, क्योंकि घर परिवार से बनता है, ईंट पत्थर दीवार से नहीं। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है घर की गृहिणी, घर की औरत, पत्नी, माँ। मुझे मुनव्वर राणा जी का एक शेर याद आता है, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। इसके बाद मैं क्या बोलूं बिड़ू, मेरी बात नहीं अगर समझ में आया तो शिव महाराज की तो बात समझ। शिव घर से नहीं, घर वालों से प्यार करना सिखाते हैं। शिव परिवार को साथ मिलकर आगे बढ़ना सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा। आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये था फीवर FM प्रोडक्शन HD Smartcast।